नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन आज बात उस रिकॉर्ड की जिसको लेकर बिहार के चुनाव में बहुत चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं कि बिहार में पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है। 71 सीटों पर बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और पहले राउंड के वोटिंग के बाद में दोनों ही खेमा यानी एनडीए और महागठबंधन, जिनमें आरजेडी और कांग्रेस है और एनडीए में जेडीयू और बीजेपी है, दोनों खेमों के अपने अपने दावे हैं कि सरकार तो इस बार हम ही बना रहे हैं और पहले राउंड में हमें ही सबसे ज़्यादा वोट मिला है। खैर, तस्वीर साफ होगी 10 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी। लेकिन हम फिर से चलते हैं उस बात की तरफ, रिकॉर्ड की तरफ। ये वो रिकॉर्ड है जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार या बीजेपी के नेता, इनकी सभाओं में हुड़दंग या हंगामा क्यों हो रहा है। जिस दिन बिहार के एक हिस्से में मतदान हो रहा था, उसी दिन दूसरे हिस्से में जब पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, दो घटनाएं हुई। एक, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की सभा में हंगामा हुआ। सभा में भारी भीड़ जमा हुई थी। मनोज तिवारी जहां भी जा रहे हैं, लोग उन्हें सुनने जा रहे हैं। वो मंच से अपनी पार्टी के लिए वोट भी मांगते हैं और भोजपुरी में गाना भी सुना देते हैं, यानी एक पंथ दो काम। जब वो भाषण दे रहे थे, उसी वक्त कुछ लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आप जरा देखिए इस वीडियो को, उसके बाद मनोज तिवारी ने मंच से क्या जवाब दिया वो भी देखिए। हाँ, थोड़ा देर शांत हो जाना। अच्छा, मैंने दूसरे की सभा खराब करने आए हो। एक से पूछो नहीं है तो हम लोग के अब दोनों की काम हो गई। चार आदमी मिलके 1 लाख की सभा को बर्बाद करने आया है। तुम लोग बर्बाद ही कर सकते हो भैया, आबाद नहीं कर सकते हमारे बिहार को। ऐसे ही लोगों से तो बिहार को बचाना है, हम तो समझते रहेंगे। हंगामा सिर्फ मनोज तिवारी के सभा में ही नहीं हुई। एक ऐसी ही सभा जेडीयू के सांसद, जो राज्यसभा के सांसद हैं, आरसीपी सिंह, जो कि नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं और जिनकी बेटी लिपि सिंह इन दिनों खबरों में हैं। आप जानते ही होंगे कि मुंगेर में दुर्गा विसर्जन को लेकर के जो हंगामा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, मुंगेर की एसपी लिपि सिंह आरसीपी सिंह की बेटी हैं। और आरसीपी सिंह किसी जमाने में, जिनको रामचंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, वो किसी जमाने में यूपी काडर के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। अब वो नीतीश के आँख नाक कान माने जाते हैं। तो उन्हीं लिपि सिंह के पिता आरसीपी सिंह की सभा में भी खूब हंगामा हुआ। और ये सिर्फ ये दो घटनाएं नहीं हैं जब एनडीए की सभाओं में हंगामा हुआ। इसीलिए ये सवाल बहुत अहम हो जाता है और जिसको लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। और एक तरीके से कहें तो बीजेपी के नेताओं में और जेडीयू के नेताओं में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। लोग इस बात को लेकर चौक चौराहे पर बहस कर रहे हैं कि क्या ये ट्रेंड है या जानबूझकर इनकी सभाओं को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक मैसेज जाए कि लोग नाराज हैं एनडीए से, नीतीश सरकार से लोग नाराज हैं, और इसीलिए उनके नेता जब आते हैं एनडीए के, वो जब चुनावी सभा करते हैं तो उसमें हुड़दंग होता है, उनके खिलाफ नारे लगते हैं, हंगामा होता है और रैली को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। बात सिर्फ मनोज तिवारी और आरसीपी सिंह की नहीं है, नीतीश की ऐसी 5 सभाएं हुई। सबसे पहली ऐसी सभा हुई थी परसा में, परसा छपरा में है, जहां से लालू यादव के समधी चंद्रिका राय चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो आरजेडी में हुआ करते थे, पहली बार वो जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पहली बार हंगामा हुआ। उसके बाद तो नीतीश की कई सभाओं में हंगामा हुआ, और जब हंगामा होता है तो नीतीश कुमार को, जाहिर सी बात है, उन्हें गुस्सा भी आया।
और जब गुस्सा आया तो उन्होंने कहा भी एक बार, क्या कहा जरा उसको पहले देख लीजिए। गुस्से में नीतीश कुमार ने कह भी दिया कि आप सब जो लोग हंगामा कर रहे हैं 10-15 लोग, और जिसके कहने पर कर रहे हैं, चुनाव बाद उन सबको ठीक कर दिया जाएगा। क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कहो अनाप सुना बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से, अब सुन लिया ना। तो ऐसे में एक सवाल बहुत जरूरी है, ऐसा हमने बिहार में नहीं देखा था पहले। अगर हुड़दंग होता था, सभा में कोई गड़बड़ी होती थी, कोई विरोध होता था, तो दोनों तरफ से होती थी। इस बार ऐसी गड़बड़ी जो है, सभाओं में हंगामा जो हुआ, तेजस्वी यादव की सभाओं में नहीं देखने को मिला। उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही है और लगातार उधर से ये बताया और समझाया भी जा रहा है, आरजेडी के वैसे ही इकलौते स्टार प्रचारक हैं, पूरी पार्टी की प्रचार की जिम्मेदारी उन पर ही है। लेकिन अगर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भी, जब नीतीश कुमार उनके साथ मंच पर मौजूद थे, तब भी मोदी के समर्थन में नारे लग रहे थे, नीतीश कुमार के समर्थन में नारे नहीं लग रहे थे। तो क्या ये एक ट्रेंड है, या फिर जानबूझकर बिहार के लोगों में और बिहार के बाहर जहां बिहार के लोग रहते हैं एक मैसेज देने की, एक चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, बिहार में नीतीश सरकार के 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो गई है कि जब भी एनडीए के नेता चुनाव प्रचार करने आते हैं, उनकी सभाओं में हुड़दंग होता है, हंगामा होता है, लोग इतने नाराज हो गए हैं, लोग उनके तरफ देखना नहीं चाहते, उनकी बातें सुनना नहीं चाहते। क्या ये स्वमेव हो रहा, यानी लोग खुद से कर रहे हैं, या एक ट्रेंड है, कुछ लोग जानबूझकर, दूसरे पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग जानबूझकर एनडीए के सभाओं में ऐसे लोगों को भेजते हैं और फिर ये माहौल खराब होता है, मोबाइल से उसका वीडियो बनाया जाता है, फिर उसे वायरल किया जाता है और फिर एक मैसेज आम वोटरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर ऐसा है तो बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, अच्छा नहीं है। आप चुनाव प्रचार करें, सबको मौका दें और फिर जो जिसके हिसाब से जिसकी बात को समझ पाए नेता और पार्टी को, उसके हिसाब से वोट दें। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों में एनडीए की सभाओं में, नीतीश कुमार मनोज तिवारी की सभाओं में इस तरीके से हंगामे हो रहे हैं, ये एक सवाल खड़ा कर रहा है। क्या ये एक साजिश है किसी की, ये ट्रेंड है, या वाकई में जनता सरकार से नाराज है? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।